नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा आप सभी का अर्पण ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूँ आपसे बात करने के लिए बुध का राशि परिवर्तन दिसंबर 2022 में। दोस्तों, बुध का गोचर 3 दिसंबर 2022 को सुबह 6:34 पर वृश्चिक राशि को छोड़कर धनु राशि में प्रवेश हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि हम आपको विदित हैं, जब भी किसी ग्रह का किसी भी राशि में गोचर होता है तो सभी राशियों के कुछ न कुछ उसका प्रतिकूल और अनुकूल प्रभाव पड़ता है। जो बात हो दोस्तों बुध की, जैसा कि हम आप सबको विदित है, बुध वाणी के प्रतीक है, तर्क के प्रतीक है, संचार के प्रतीक है, और इसके साथ में जब इनका धनु राशि में प्रवेश हो तो धनु धन के प्रतीक हैं, वैभव के प्रतीक हैं, और इसके बाद वाणी के भी प्रतीक हैं जो इनकी समृद्धि में वृद्धि करते हैं। और जब ऐसे ग्रह का परिवर्तन धनु राशि में होता है तो दोस्तों व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ अनुकूल और कुछ न कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हम आपको विदित है दोस्तों, बुध कन्या राशि में उच्च के होते हैं और मीन राशि में नीच के होते हैं। इसके साथ ही दोस्तों सूर्य से सबसे अधिक करीब होने के कारण बुध ग्रह सबसे ज़्यादा प्रिय सूर्य को है और ग्रहों में राजकुमार ग्रह माने जाते हैं। और इनका परिवर्तन हमारे आपके जीवन में क्या प्रभाव लेकर आ रहा है, हम उस पर बात करते हैं। दोस्तों, किसी भी ग्रह का जब परिवर्तन होता है तो सबसे पहले हमारी जन्म कुंडली की स्थिति पर निर्भर करता है उसका हमें परिणाम क्या मिलने वाला है। हमारी जन्म कुंडली के अंदर जो भी ग्रह स्थितियाँ होंगी उसी के अनुसार हमारे जन्म कुंडली के गोचर हमें प्रभाव हमें फल देते हैं, अनुकूल और प्रतिकूल फल उसके अनुरूप देते हैं। तो सबसे पहले हम अपने कुंडली की स्थिति को देखना चाहिए और उसके बाद यह गोचर का क्या परिणाम हमारे जीवन में आने वाला है वो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँ मेष राशि वालों के लिए, तो मेष राशि वालों के लिए दोस्तों यह गोचर है बहुत ही उत्तम है। इस समय मेष राशि वालों का जो है गोचर हो रहा है बुध का, उनके लिए काफ़ी उत्तम है। उनको भाई बहनों से काफ़ी अच्छा सहयोग मिलेगा, उनके परिवार में काफ़ी सुख समृद्धि रहेगी। इसके साथ में जो ध्यान देने वाली बात है, बस पिता के सेहत का इनको ध्यान रखना है, पिता के सेहत का ध्यान रखें। बाकी इनके जीवन में भाई बहनों से संबंध अच्छे मिलेंगे, भाई बहनों से सहयोग इनको अच्छा मिलेगा। मात्र एक ही दिक्कत हो सकती है पिता के सेहत का, तो पिता के सेहत का ध्यान रखें। और आप एक बुधवार के दिन आप अपने घर में एक तुलसी का पौधा लगाएं। वृषभ राशि वालों के लिए गोचर भी काफ़ी अच्छा है। इसमें इनको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है खान पीन का, अपने सेहत का ज़्यादा ध्यान देना है, कुछ आपत्ति जैसी चीज़ें ना होने पाए। बाकी यह गोचर इनके लिए काफ़ी अच्छा है। इनको जो ध्यान रखना है अपने अपच के बारे में देखना है और फालतू खर्चों से इनको बचना है। बाकी यह गोचर इनके लिए बहुत ही अच्छा है। इनको जो इसमें इनके इस गोचर के दौरान जो इनको उपाय करना है, किसी किन्नर को यह हरी चूड़िया और श्रृंगार का सामान दे, यह गोचर इनके लिए और अच्छा हो जाएगा। मिथुन राशि के वालों के लिए यह गोचर देखा जाए तो उनकी जन्म कुंडली में है, उनके विवाह के योग बन रहे हैं। अगर अभी तक वह कुंवारे हैं तो वो विवाह के बंधन में बन सकते हैं। विवाह का योग बन रहा है तो कुछ अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। नए पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो उसमें नए पार्टनरशिप में बन सकते हैं, नए व्यवसाय की तरफ इनका रुझान हो सकता है, नया अच्छा खासा व्यापार कर सकते हैं ये। इनको बस ध्यान जो रखना है खान पीन और सेहत का ध्यान रखना है। और इनके इस गोचर के दौरान इनको उपाय करना है, अपने बेडरूम में कोई एक ऐसा पौधा लगाए जिससे इनके लिए है काफ़ी समृद्धिकारक यह गोचर होगा। कर्क राशि वालों के लिए यह गोचर बहुत ही अच्छा है। उनको इस प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी, कानूनी कोई मसला पेच फंसा हुआ था उसमें उनको सफलता मिलेगी। यह गोचर कर्क राशि वालों के लिए कोई प्रतियोगी परीक्षा करते हैं तो उसमें पूर्णतः सफलता मिलने के चांसेस है। इसमें उनको जो ध्यान देने वाली बात है कि चिकनाई युक्त भोजन ना करें, मसाला से बचें। इसके बाद इसको जो विशेष ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, इसमें इनको नशे से बचना है, मदिरापान से इनको बचना है। अगर इससे बचते हैं तो यह गोचर इनके लिए काफ़ी अच्छा है। इस गोचर के दौरान इनको गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए, यह गोचर इनके लिए बहुत ही उत्तम फल देगा। सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर बहुत ही अच्छा है दोस्तों। जो इस समय उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं, मास कम्युनिकेशन, गणित, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको इसमें सफलता मिलने के चांसेस हैं। इस गोचर के दौरान अगर कोई व्यक्ति इच्छुक है संतान प्राप्ति के लिए तो उसके यह भी इसमें मनोरथ पूर्ण होने के योग बन रहे हैं। तो यह गोचर सिंह राशि वालों के लिए भी काफ़ी उत्तम है। जो मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं, गणित के विद्यार्थी हैं, जो संचार से रिलेटेड कुछ तैयारी कर रहे हैं, उच्च परीक्षा की प्रतियोगिता कर रहे हैं, तो उसमें बहुत ही इनको सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात दोस्तों इनको यह है, इनको इस गोचर के दौरान जो उपाय करना है, माता सरस्वती को लाल पुष्प एक अर्पित करें, यह गोचर इनके लिए बहुत ही शुभ होगा। धनु राशि वालों के लिए दोस्तों यह जो गोचर है, जो व्यक्ति डेटा साइंटिस्ट गणित में काम कर रहे हैं, सर्चिंग में काम कर रहे हैं, कोई ऐसा जो लेखन वाला कार्य कर रहे हैं, उसमें इनको बहुत तरह अच्छी सफलता मिलेगी। इसमें उनको जो ध्यान रखने वाली बात है कि प्रयासरत इनको हमेशा रखना है अपने कार्य के प्रति। जितने भी लोग हैं इसमें डेटा साइंटिस्ट के हैं, नेटवर्किंग के हैं, बैंक कर्मचारी के हैं, इनको इस गोचर के दौरान बहुत ही अच्छी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं।
इसमें इनको ध्यान देने वाली बात यही है कि अपने कार्य में जो भी सकारात्मकता दिखाए वह अंदर से इच्छा प्रकट करके कार्य करें, अपनी सहनशीलता अपनी जो प्रगतिशीलता उसके अंदर विद्यमान करके कार्य करेंगे तो उनको बहुत अच्छी खासी सफलता इसमें मिलेगी। इस गोचर के दौरान यदि ये लोग प्रतिदिन गणेश जी को दुर्वा चढ़ाते हैं तो यह गोचर इनके लिए बहुत ही उत्तम होगा। राशि वाले के लिए गोचर दोस्तों यह काफ़ी उनके लिए भी काफ़ी उत्तम है। इस गोचर के द्वारा उनके बड़े भाई उनके मामा से काफ़ी अच्छा सहयोग मिलेगा। पिछले एक साल से इनके द्वारा जो भी कार्य किया हुआ है, जो भी इन्होंने पिछले एक साल से जो भी कार्य किया हुआ है उसका इनको बहुत अच्छा खासा फल मिलेगा, उसका इनको जो परिणाम मिलेगा धन स्वरूप इनको परिणाम मिलेगा। यह गोचर कुंभ राशि वालों के लिए भी बहुत ही उत्तम है। यह गोचर उनके जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन लेकर आएगा। लेकिन इस गोचर के दौरान इनको ध्यान रखना है, जो भी इनको प्रयास करना है वह सकारात्मकता के साथ प्रयास करना है जिससे इनको सफलता मिले। यह गोचर इनके लिए बहुत ही उत्तम है। इस गोचर में अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन ये देखेंगे। इसमें इस गोचर के दौरान इनको उपाय करना है कि छोटे बच्चों को कुछ न कुछ नई चीज़ें जो बांटे जिससे उनके अंदर प्रसन्नता हो, कुछ ऐसी चीज़ उनको दो जिससे उनको उनके मिलने के बाद प्रसन्नता हो। यह गोचर उनके लिए बहुत ही उत्तम है। दोस्तों ये कुछ ग्रहों के राशि बुध के राशि परिवर्तन से जिन राशि वालों को शुभता और अनुकूलता का परिणाम मिल रहा था हम उनके बारे में बात की दोस्तों। जैसा कि हम आपको विदित है बुध राशि ऐसा है कि जिस ग्रह के साथ बैठता है उसी के अनुकूल वह फल देने शुरू कर देता है, क्योंकि बुध ग्रहों का राजकुमार है तो वो जिस राशि के साथ में बैठेगा उसी राशि के अनुकूल वह फल देता है। तो दोस्तों छोटी सी जानकारी थी, आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी। अच्छी लगी चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। नमस्कार।